आपको बता रहा हूँ, सर्वाइकल के मसलों में तकलीफ हो, कितने मनके होते मालूम है आपको? 7 मनके। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को बेल्ट बनते हैं गले में पीछे, उसको निकालने के लिए हाथों की मुट्ठी बंद करेंगे, या तो कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं या वज्रासन भी की जाती है, फिर भी जैसी सुविधा आप देख लीजिए, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करें, पांवों को पसलियों से सटा दीजिए और दोनों हाथों को घुटनों पर के थाई पर रखिए घुटनों के ऊपर, और अंगूठों को बाहर निकालिए, मुझे देखिए आप अंगूठे बाहर की ओर निकलेंगे, स्पाइनल को सीधा, गर्दन सीधी रहे, हलचल बंद, प्रतिमा की भांति अटूट स्थिर हो जाए, एक मिनट का प्रयोग करेंगे, समय के अनुसार वैसे 5 से 10 मिनट किया जाता है, तो मन ही मन आप 125 का काउंट करिए, लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा सांस छोड़ना है, संपन्न खींचा जाता है। हाँ, ये 5 से 10 मिनट दिन में 4 बार करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं T1 से T12 और L1 से L5 तक के मनके में तकलीफ हो तो मुट्ठी बंद, सेम पोजिशन, पूरा ये बाहों को साइड में पत्तों से सटाना है और एकदम सीधे अंगूठा ऊपर की ओर, ऐसे थाई पर रखिए दोनों हाथ, अंगूठे को ऊपर जितना खींच सकते कीजिए और सरलता से सीधे बैठने का प्रयास करें, एकदम ऊपर की ओर अंगूठे को खींचे, सीधी एकदम सरलता से सीधे बैठे, जबरदस्ती न करें, मन मन काउं, सांस लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस छोड़ें, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, संपन्न। अब इससे आगे की मन को तकलीफ हो, हाथों की मुट्ठी बंद से और इनसाइड अंदर की ओर टच नहीं करना है, सेम पोजीशन है बाएं टच, अगर नहीं हो रही तो ज्यादा जबरदस्ती ना करें क्योंकि अभ्यास के बिना संभव नहीं है, जैसे टच नहीं करना है, अंकों को टच नहीं, अंकों में दूरी रहेगी, मुट्ठी एकदम उल्टी हो जाएगी, दस बार लंबा गहरा सांस लीजिए, काउंट करने जम रहा है तो 10 बार सांस लें, 10 बार छोड़ें, संपन्न। अब लास्ट जो टेप ऑन वहां पर तकलीफ हो, लास्ट एकदम जो गड्ढा है वहां पर, रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर, तो इसमें जो दूसरी मुद्रा हमने की थी सेकंड नंबर, उसमें अंगूठा ऊपर की ओर था और इसमें ठीक नीचे की ओर जाएगा, इस तरह नीचे की ओर करिए, मुट्ठी बंद रहेगी, अंगूठा नीचे की साइड में करिए, करिए कोशिश,
રાતનારે હશે ને મુઠ્ઠી સટી રહી હશે નીચે કેવો જાણે થોડા તણાવ આવતા ખીચા આવતા યથાશક્તિ કરે જરા જબરદસ્તી ના કરે લંબા ગહેરા શ્વાસ લે લંબા ગહેરા શ્વાસ છોડે શરીર નું ઢીલા છોડે કહી દે અપ્રજ્ઞાન રહે